अपराजिता एंड वेलकम टू अपराजिता स्पाइसी ग्रिल। आज की हमारी रेसिपी नॉनवेज लवर्स के लिए उनकी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है चिली चिकन। चिली चिकन अक्सर हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं और घर पे जब भी बनाना होता है तो हम स्किप करना चाहते हैं उसको, क्योंकि उसको बनाने से हमें लगता है बहुत किचन मेसी होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। पर आज मैं आपको एक आसान रेसिपी बताऊंगी इसकी कि जब आपका मन करेगा आप इसे बना के खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है ये, मेरे घर में मैं जब भी बनाती हूँ उस दिन ये डेफिनेटली फिनिश हो ही जाती है, सबको बहुत पसंद आती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे क्या होगा कि जो भी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आपसे मेरी कोई भी रेसिपी मिस नहीं होगी। और आप मेरे चैनल पर बहुत सारी और भी रेसिपीज देख सकते हैं, बहुत हेल्दी रेसिपीज़, किड्स फ्रेंडली रेसिपीज़ होती हैं, नॉन स्पाइसी भी होती हैं, हेल्थ फूड होता है, काफ़ी कुछ है। तो आप प्लीज़ ब्राउज करें और देखें और आप मेरी वीडियोस पे लाइक और कमेंट ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। और चलिए अब बनाते हैं हम चिली चिकन की रेसिपी, लेट्स गो। इस रेसिपी में हम बोनलेस चिकन यूज़ करेंगे जिसको अच्छे से वॉश करके ऐसे टॉवल में रैप करके ड्राई कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये चिकन पीसेस ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर और 1.5 चम्मच के लगभग हम इसमें कॉर्न स्टार्च डालेंगे। कॉर्न स्टार्च डालने से थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं फ्राई करने पे। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से और काली मिर्च भी स्वाद के हिसाब से डालेंगे। मैंने लगभग यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है और 1 टीस्पून के लगभग इसमें सोया सॉस डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करके चिकन को हम कोट कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से चिकन कोट हो गया है और अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। एक पैन में ऑलिव ऑयल मैंने यहाँ गरम करके रखा है, मीडियम हीट है, और इसमें सारे चिकन पीसेस को हम एक एक करके डालेंगे और फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें फ्राई करना है, ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये चिपकने लगते हैं आपस में और अच्छे से फ्राई नहीं होंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे। ये देखिए पलट पलट के इसको हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। आपकी कौन सी चिकन की फेवरेट रेसिपी है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम उसको भी कोशिश करूँगी बनाने की। ये देखिए चिकन पीसेस बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में सेम जो ऑयल बचा हुआ है, अगर आपका ऑयल नहीं बचा है तो थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए, उसको भी हल्का सा गर्म कर लीजिए और उसमें हम डालेंगे बारीक चॉप की हुई लहसुन और 2-3 हरी मिर्चें। हरी मिर्च देखिए छोटे साइज़ की है ये मैंने डाला है, अगर बड़े साइज़ की तो उसको थोड़ा सा आप काट लीजिए। हल्का सा इसको सॉटे करेंगे हम और इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च और प्याज, ऐसे काट के रखा है इसको बड़े बड़े पीसेज में। बस 1 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ओवर कुक नहीं करना है हमें सब्ज़ी को। और इसमें डालेंगे हम नमक और काली मिर्च, नमक और काली मिर्च हमने चिकन में भी डाला है तो डालते टाइम थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1 टीस्पून के लगभग इसमें डालेंगे सोया सॉस और 1 टीस्पून डालेंगे विनेगर। थोड़ी देर के लिए इसको बस हल्का सा सॉटे करेंगे और इसमें डाल देंगे 2 कप के लगभग पानी। पानी डाल के देखिए इसको ऐसे मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद भी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही पतली है और चिली चिकन की ग्रेवी का कंसिस्टेंसी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, गाढ़ा होता है वो। तो इसको गाढ़ा करने के लिए 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च में थोड़ा सा पानी डाल के ऐसा एक घोल बना लेंगे उसका और इस घोल को खोलती हुई ग्रेवी में हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा आप इसको बॉईल करेंगे तो ये हमारी ग्रेवी जो है थिक होने लग जाएगी। ये देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे से थिक होने लग गई है, इसको जितना ज़्यादा हम बॉईल करेंगे ग्रेवी हमारी उतनी थिक होती जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर फ्लेम अपना बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें चिकन के जो पीसेस हमने फ्राई करके रखे थे उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी के साथ चिकन पीसेस सारे कोट हो जाएं, लगभग 1 मिनट के लिए इसको हम बॉईल करेंगे और ये देखिए चिली चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है।
चलिए, हमारे यहाँ तो चिली चिकन बन गई। अब मैं जा रही हूँ इसे सर्व करने अपनी फैमिली को, और मुझे पता है आज ये बचेगी नहीं, फिनिश ही हो जाएगी। आप इसे फटाफट ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ। बाय।